بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم स्टेज पर मौजूद इंतहाई काबिल एहतराम उलमाए किराम और इस अजीम शान मजलिस में मौजूद मेरे इंतहाई मोहतरम भाइयों दोस्तों आपकी तवज्जो से उन फुजलाए किराम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जिन्होंने 8-10 साल मेहनत करके आज कुरान और हदीस की तालीम हासिल करके उनकी दस्ताबंदी हो रही है उनके वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अल्लाह करीम ने उन्हें ऐसे बैठे और इस एजाज से नवाजा अजीजान मोहतरम इस किस्म की तकारीफ और प्रोग्राम हमारे लिए बाइस अजर है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में उलमाए देवबंद की खिदमत मदारिस हो या सियासत पूरी दुनिया इन्हीं उलमा के गिर्द घूमती है और इस जामिया को अल्लाह ताला ने बहुत सारी खुसूसियात अता की है पूरे मुल्क में बड़े बड़े उलमाए किराम इसी मदरसा से इसी जामिया से फैजियाब हुए और वही उलमा मुल्क के कोने कोने में दीन की खिदमत कर रहे हैं ये उलमाए किराम की मेहनत है इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी और सारी रहेगी अज़ीज़ान मोहतरम आज मुल्क की सियासत की बागडोर इसी उलमा के मरहूरी मिन्नत है फख्र तो इस बात की है कि कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब
मुल्क की बड़ी पार्टियों की कियादत कर रहे हैं, आज जो जेली हुकूमत के खिलाफ तहरीक चल रही है उस तहरीक की कियादत हमारे और आपके सबसे बड़े कायदे मिल्लत इस्लामिया इन्हीं मदारिस से फारिग तहसील है, उसी की कियादत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कामयाबी ये कामयाब होगी, ये तहरीक इंशाअल्लाह कामयाब होगी। अज़ीज़ाने मिल्लत, आज जो मुल्क में इफरात तफरीक का माहौल है, कभी मुल्क पे ऐसे हालात नहीं गुजरी। गुज़िश्ता हुकूमत में पाकिस्तान की जीडीपी 5.5 ग्रोथ पे थी, मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न थी, और इस 2.5 साल में इस जेली हुकुमरान ने मुल्क का खाना खराब किया है। आज मईशत 0 पे चली गई, मुल्क में इफरात तफरी का माहौल है, मां बाप बच्चों समेत खुशियां कर रही है, जब इसकी हुकूमत नहीं बनी थी लोगों से झूठे वादे किए कि तुम्हें मकान बना के दूंगा, नौकरियां दूंगा, एक करोड़ नौकरियों का दावा किया था, 50 लाख घरों का। अब तो उसके 2.5 साल खत्म हो गए, 50 लाख में से 25 लाख घर अब तो बने हो, 1 करोड़ नौकरियों में आधी नौकरियां मिलनी हो, अज़ीज़ाने मोहतरम, लोगों के घर गिराए गए, लोगों को कोई नौकरियों से निकाल दी गई। आज आप इस्लामाबाद जाए, पार्लियामेंट हाउस का सामने हो या डी चौक हो, ई बे लगा लो, हर दिन उनका एहतजाज है, हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, हालात यहां तक पहुंची है कि पाकिस्तानी एयरलाइन कर्जों के बदले उन्हें रोक लिया जाता है, और इस्लामाबाद में ये बातें हो रही है कि यहां के पार्क या अवामी मकामात ये गिरवी रख देंगे। आप इससे अंदाजा लगाए कि इसने मुल्क को खोखला कर दिया है। अज़ीज़ाने मोहतरम, कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजल रहमान साहब हफिज़हुल्लाह आज जिस तहरीक की कियादत कर रही है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो तहरीक कामयाब होगी, और हम मुख्तदर कुव्वतों को भी बताना चाहते हैं कि जब तक ये मुल्क
अवामी नुमाइंदों के जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, कौम के हकीकी नुमाइंदे हैं, जब तक उनके हवाले नहीं करेंगे तो ये मुल्क सही डिगर पे नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूं इस मुल्क पे अल्लाह का बड़ा करम है, यही उलमाए किराम, यही तुलबाए किराम, यही मदारिस, यही मसाजिद, इन्हीं की वजह से ये मुल्क कायम है कि यहां अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों की दुआएं हैं। ये रात को उठ के इस मुल्क की सलामती के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो मैं अवामुन्नास से यही दरख्वास्त करता हूं कि उलमा से दोस्ती बनाए, उलमा को कुव्वत दे, उलमा से ताल्लुक बनाए। ये इंशाअल्लाह अजीज उनकी भलाई के लिए दुआएं करेंगे दुनिया और आखिरत में, इंशाअल्लाह अजीज उनकी कामयाबी होगी। दुआएं कि अल्लाह ताला हमें कायदे मिल्लत इस्लामिया के शान बशाना हर कदम चलने की तौफीक दे, और दुआएं कि अल्लाह ताला इस हुक्मरान कि जिसकी वजह से आज मुल्क की बुनियादें हिल चुकी है और दीन के खिलाफ, खत्म नबूवत के खिलाफ इसने जो काम किए हैं, अल्लाह उनसे महफूज करे इस मुल्क को और इस मुल्क के आवाम को और दीन इस्लाम को। वमा अलैना।